किया है ना हमने, देखा वो वाला साइड भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। जी तो टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अम्मी की तरफ। तो भाई आ गए थे मॉर्निंग में मुझे लेने के लिए, तो अम्मी की तरफ जाने के लिए जो है हम लोग निकल चुके हैं। असल में ये प्रोग्राम अचानक से बना है अम्मी के घर जाने का, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था अम्मी की तरफ जाने का अभी, क्योंकि अब्रश के स्कूल्स जो हैं वो ओपन हैं, तो लेकिन बस जाना भी ज़रूरी था क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। असल में हम सबको जो है भाई की रस्म करने जाना था, जिसकी वजह से मेरा होना भी वहाँ ज़रूरी था। तो हम लोग जो हैं बस इस वजह से जो है ना मुझे जाना पड़ा। तो अब बस रस्म के लिए जो है हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने जो है रमज़ान से पहले पहले ही रस्म जो है करना मुनासिब समझा। तो इस वजह से जो है टाइम बहुत कम था, अभी शॉपिंग करनी थी जो भी है। वैसे तो हम लोगों का यही इरादा था कि दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत सिंपल वे में, बहुत सादगी में जो है हम लोग रस्म अदा कर लें, और इसी तरीके से बस सिर्फ उनकी फ़ैमिली शामिल थी और हमारी फ़ैमिली शामिल थी, जिसमें जो है हम लोगों ने सिंपल वे में रस्म अदा की है और डाइन आउट था हमारा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रस्म बहुत अच्छे से अदा हो गई, लेकिन उसकी कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं मैंने आप लोगों के साथ जो है ना सोचा चलो शेयर करूं आपके साथ, आपको भी बताऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई, और अल्लाह ताला जो है मेरे भाई को और भाभी को दोनों को बहुत खुश रखे। तो अम्मी के घर जो है हम पहुंच गए हैं, तो बस अब जो है उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां वगैरह जो हैं स्टार्ट कर दी थी। तो शाम में बस मैं सबको जो है जैसे हम लोग पहुँचे हैं उसके बाद बस रात से ही हमारा स्टार्ट हो गई थी तैयारी। तो बस फिर मैं अम्मी लोगों को है मेहंदी वगैरह सबको लगाई है मैंने, तो अम्मी भी लगवा रही थी मेहंदी। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा खुशी जो है माँ को ही होती है कि जब वो अपने बेटे की कोई भी रस्म अदा करने जाती हैं, या मतलब कोई भी जो है बहू लाने वाला जो है एक मैं कह नहीं पा रही कि किस तरीके की खुशी होती है माँ के लिए अपने बेटे की जो है कोई भी रस्म अदा करने की। तो बस मेरी मदर जो हैं वो भी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, बहुत माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को मेहंदी लगाना स्टार्ट की थी, और वो खुद खुशी से कह रही थी कि मुझे मतलब आप लोग मेहंदी लगाएं। तो मैंने उन्हीं ही सबसे पहले मेहंदी लगाई, फिर मैंने अपने सिस्टर को लगाई, फिर उसके बाद मेरी छोटी दोनों जो बेटियाँ हैं उन दोनों को मेहंदी लगाई, और इन सबको मेहंदी लगा दी। और मज़े की बात कि मैं खुद मेहंदी लगाने से रह गई। वही बात है कि जो सबको लगाता है और वही लास्ट में जो है रह जाता है। खैर शॉपिंग हमारी जो है वो हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर ली थी, बहुत जल्दी जल्दी में हम लोगों ने सब कुछ किया है। प्रॉपर हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसका जो है फिर मैं आपके साथ जो है छोटा सा एक क्लिप शेयर करूँगी शॉपिंग का, जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली थी और जो जो चीज़ें मतलब हम लोग कर पाए वो सब जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है। नाश्ता करने के बाद जो है बस सब अब पता है जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि जो है टाइम बहुत कम था, तो फिर हम लोगों ने जो है ना बस शॉपिंग्स में ही लगे रहे। उनके कपड़े वगैरह रेडी कर दिए हैं सारे, अब सामान भी मैंने अलग करके रख लिया है, क्योंकि जब रेडी होने की बारी आएगी ना तो बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ होगा, इसने रेडी होना है, उसने रेडी होना है। तो इस वजह से मैंने चीज़ें पहले अलग कर दी हैं, और बच्चों की जो जो चीज़ें साथ लेके जानी हैं वो भी मैंने तैयार करके जो है एक बैग बना ली है, ताकि जो है ना मुझे वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और सब चीज़ें मैंने उस बैग में रेडी करके रख ली हैं। बस अभी मैं जो हूँ सफ़ा को नहलाऊँगी, अब्रश को नहला दिया था मैंने सुबह, अब जो है और हान को भी नहला दिया था, मैं खुद भी रेडी हो गई थी, और बस जो है अब सफ़ा रह गई है। सफ़ा को मैं अब हम बात दिलवाऊँगी, उसके बाद फिर जो है हम जो है तैयारियाँ जो की हैं उन सब चीज़ों को एक दफ़ा फाइनलाइज़ करेंगे। ये क्या कर रहे हो? मैं खेल रही हूँ।
कितना मजा आता है इसके साथ। आ रहा है मजा आपको? ये कर क्या रही हो? हम भी करते होते थे जब हम छोटे थे ना, तब करते थे, तो बहुत मजा आता है इसके साथ ऐसे ऐसे करना। मैं तो किसी को भी करने का ऐसे ही करता होता है सबका दिल। लेकिन मजा आता है ना? हाँ जी, बांध के भी मैं देती, बस अपनी मम्मा के अलावा किसी को भी नहीं। अच्छा, अभिष आपने रेडी नहीं होना, एंगेजमेंट नहीं करनी उमर मामू की, तो आपने कैसे रेडी होना है? मैंने तो अपना ड्रेस पहने, मैं प्यारी सी ना बच्ची बन के जाऊंगी उनके। अच्छा सफा, आपने रेडी नहीं होना। उफ, कितनी गंदी गंदी हो रही हो। ये क्या खाया है आपने? क्या खाया है ये? आपने क्या खाया है? चॉकलेट खाई है? ये देखो कैसे खा रही है, पूरा मुंह गंदा कर लिया आपने। ये क्या लगाया है मुंह पे? क्या लगाया है? क्या खाया था आपने? क्या खाया था? चॉकलेट खाई थी। ऐसे खाते हैं चॉकलेट? चलो जल्दी से नहीं नहीं करें, जल्दी 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 रेडी होते हैं। चलो चलो। और हाँ, आप क्या कर रहे हो? और हाँ, आप क्या कर रहे हो? और हाँ, गंदा बेबी, गंदा बेबी, आपने भी लेडी होना है ना? जी, तो ये छोटा सा एक क्लिप है जो मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन एक छोटा सा क्लिप है जो मतलब मैंने ले लिया था जल्दी से। तो ये प्रॉपर हमारा सारी चीज़ें रेडी होके आ गई हैं, पैकिंग वगैरह भी हमने करवा ली थी, जो भाभी के लिए मतलब सामान वगैरह लिया था, और कुछ चीज़ें जो हैं अभी हमें जाते हुए अपने रास्ते से, जैसे फूल वगैरह थे और गजरे वगैरह, ये चीज़ें जो हैं हमें जाते हुए रास्ते से हमने पिक की थी। तो बाकी जो है, पहले बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे, तो बस सबको बस पहले हम लेट हो गए थे, तो इस तरह से अब बस निकल चुके हैं हम। और हमें जाना है होटल, क्योंकि जो है हमारा एक डाइन आउट भी था और वहीं पे हम लोगों ने रस्म अदा की थी। और हम लोग जो हैं नॉर्थ नासमाबाद की तरफ गए थे, जहाँ पे जो है होटल था, आई थिंक क्या नाम था इसका, जी ज़मीर अंसारी। हाँ जी, ज़मीर अंसारी के नाम से होटल था। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, जहाँ पे मतलब हम लोगों ने एंगेजमेंट की है, और बहुत अच्छा उनका इंतज़ाम था। तो प्रॉपर उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो ये सब जो है यहाँ के भी मैं कुछ क्लिप तो आपके साथ शेयर करूँगी, तो जो हम लोगों ने जिस तरीके से रस्म अदा की है उसके छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए जो हैं बना लिए थे, क्योंकि मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था बेबी के साथ। यहाँ पे भी देखे मैंने उरहान को उठाया हुआ है, और इसके साथ उठा के मतलब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, तो फिर भी आप लोगों के लिए बनाया। तो बस हम लोग सब जो हैं आ गए थे और सबसे मिले हैं, और यहाँ पे जो है दोनों फैमिली मेंबर्स जो हैं सब जो हैं इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस मतलब हुई है ये। तो ये मैं उनकी मदर से मिली हूँ, उनके सब रिलेटिव वगैरह जो भी मतलब उनकी फैमिली से थे, तो वो सब जो हैं उनसे मिले, तो बहुत अच्छा लगा। और नो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ये हम लोगों ने छोटी सी रस्म जो अदा की थी, तो पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो बन रही थी, साथ साथ फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो यही एक मेमोज होती हैं जो आपकी मतलब लाइफ में हमेशा यादगार रहती हैं, तो इनको जो है कैप्चर करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर खाना वगैरह खाया हम सब ने, तो खाने की वीडियो मैं सही से नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पहले बता चुकी हूँ बेबी छोटा था, उसको संभालना उसके साथ मतलब बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी छोटे से जो भी क्लिप्स मैं बना सकी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस खाना वगैरह खाया, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, और फिर बस जाने की तैयारी हुई, हम लोग फिर वापस अपने घर को आने लगे हैं। और
ये सब जो है आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की दुआएं भी मेरे भाई और हम मेरी फैमिली के साथ हों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।